ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅਲੀਪੁਰ ਟਿੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਨੇ ਸ਼ਬੀਰ ਕਦੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੀਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ।
ਮੌਜਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨੱਡੜੀ ਮਾਣ ਮੀਆਂ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਸਭੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਓ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਜੋਗ ਦਾ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੀ ਬਣਾਈ
ਵਧਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਸੂਰਾ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ
आसम चौधरी साहबान और मेरे बड़े ही दानिशवर राजी साहब जी। मुठी मुठी में कोई असर होया अज कम ते जीव नहीं लगदा अनेसरी बूटी उलंग उलंग ताली करके माशाल्लाह बहुत जो दे रहो।
मुकाबले में शिरकत करने लिए इसी तरह बड़े मशहूर हैं तुम बिलाल पंजाब से पूरी तशरीफ ले आए और लाहौर की नुमाइंदगी की थी ये तुम्हारे वास्ते बहुत सारे तालियां थी इन्होंने वास्ते एसएमएस तो इवारस शाह एक ऐसे फकीर ने जिन्होंने हिंदू भी उस तरह प्यार करते रहे सिख भी उस तरह प्यार करते रहे क्रिश्चियनिटी भी इवारस शाह का कलाम पढ़ती है और मुसलमान भी जेडे अपने हिसाब से इवारस शाह का कलाम पढ़ते हैं ये भी एक एजाज इवारस शाह हुए बैन अलकौमी और बैन अलमजहब एक शायर है क्योंकि उन्हें इश्क की गल की है तो इश्क जो साझा अक्सर होंगे तो हूँ असी इस इश्क की गलू बताते इस मुकाबले को अगर टोलते हुए एक होर गीत गायक स्टेज दावत देने शहर
ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਅਦੀਬਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਹੀਰ ਗਾਇਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਬਣ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਆਏ ਨੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਹਾਫਜ਼ ਮੁਹਤਰਮ ਹਾਫਜ਼ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਧੋਤੀ ਪੱਗ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੂਫੀ ਰੰਗ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਕਲਾਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ जो कुछ बीज सने साधों
सब किसान
ਦਬ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ ਲਿਖਾ
लिखा अदब दा अर्श के तक लिखा चंद दा नूर के चंद लिखा इलम दा मन के तन वारस तेनु हुसन दा हुसन के तन जिथे पांच दरिया वगदे ने उस देश पंजाब दा फन लिखा कलमकार लिखा अलमदार लिखा फनकारां दा मान तरान लिखा सब सोच ख्याल ते इलम आजिज वारस शाह में तेरी की शान लिखा अजीम शाह डॉक्टर रशीद अनवर साहब ने खराज तहसीन वारस शाह साहब ने पेश किया तो होर भी पंजाबी दे जिहड़ा वो पंजाबी हो ही नहीं सकता जिहड़ा वारस शाह नाल लव ना करदा होवे इहदी सबूत है पंजाबी महफल है वारस शाह दी महफल है और बड़ी सोहणी सजी हुई है शिवपुरियों एक मेरे हीर गायक तशरीफ ले आए वारस शाह दे शहर दे विचों मुहम्मद अबू सुफियान उन्होंने मैं गुजारिश करना अबू सुफियान साहब तशरीफ लिया तो वारस शाह के कलाम की नुमाइंदगी कर अपने सोहने सुनखे शहर शिवपुरे की नुमाइंदगी कर सारे शिवपुरे लोग तुम पता अपने काम के बड़े जनूनी होंगे ने एंड तक जाते हैं जी बिस्मिल्ला इश्क़ वाला
पैर दी बूंद वसांदा ए मेरा वास आया विच वैरियां दे ओ क्या बात कोई सजना Thank you.
Just
कोई मेरे ख्याल सारे ग्रुप पे दोस्तों का
और माशाल्लाह शुभकुरियो आए हैं और वेलकम जी जी हैं ना साढ़े जो पिंडे ने जिन्हें आना शेर का होते सारा शेर पूरा अपने पे छोटे छोटे तरकीमा जिन्हें तो सरकार भी तो जिन शेर पूरे भी वारसा फाउंडेशन में दोस्तों जिन्हें कदीमी तंजीम में वारस भरा दिए वारसा फाउंडेशन दियारी बाबा उस्ताद खालम वासी साहब बहुत प्रमोशन वारसा की और उन्होंने खिदमत मौजूद ने उन्होंने मतदर शिगिरद जिहड़े ने नाम हासिल कर चुके हैं और गल बन किसी भी शिगिरदा दे विचों आ वड़िया सोचा वारड़ा कर गया वड कमाल
ਕਿਹੜਾ ਨਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡ ਪੁਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਸ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲਿਆ ਵਾਰਸ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲਿਆ ਲਾ ਲਓ ਦਿਲ ਦਾ ਸੀ ਵਾਰਸ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲਿਆ ਲਾ ਲਓ ਦਿਲ ਦਾ ਸੀਤ ਓਏ ਆਓ ਕੱਚੇ ਪੀਲੇ ਹੋ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਓ ਪੀਤ ਓਏ ਆਓ ਕੱਚੇ ਪੀਲੇ ਹੋ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਓ ਪੀਤ ਹੂ ਹੂ ਤੇ ਅਨਹੱਦ ਦਾ ਵਾਰਸ ਛੇੜਿਆ ਰਾਤ ਹੂ ਹੂ ਤੇ ਅਨਹੱਦ ਦਾ ਵਾਰਸ ਛੇੜਿਆ ਰਾਤ ਓ ਸੁਣ ਲਓ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਾਲ ਵਰਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖਰਾਜ ਤਸੀਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ अच्छा पहुंचे ने बड़ी मुश्किल ना मेरे पहुंचे हो गए अच्छा कोई गल नहीं बड़ी गल है ते कनो सी मुकाबला सी अपने को वाइंड अप कर चुके सा रेट हम आए हो आ जाए तो फिर बाबर के बाद उन्हें आना होता है ठीक है भाई तुम आए सारे साडी रजा है कि हमायूं साहब ने नहीं नहीं देखो बड़ा बारिश आदमी है और पिछो टुरया सूफी बंदा इधर दे आ सर आओ लग जाए एक बारी बारिश हीर कह के क्या बात Yeah.
ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੁਰੀਆਂ
ਤੇ ਅੱਜ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਦੀਗਰ ਸੂਫੀ ਵਾਲਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਤਮਾਮ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੀਕੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਰਲੇ ਨੇ ਰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਂਡਸਮ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਇਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾ ਤੀਸਰਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋ ਮਿਸਰੇ ਵੀ ਪੜੇ ਨੇ ਪਿਲਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਰਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਹੋ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਮ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ 'ਚ ਆਏ ਇਸ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜੱਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਾ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਨਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਾ ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਬੈਟਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਾਨਾ ਬਾਸ ਕੋਲ ਫੈਜ਼ਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਡੂਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹ 'ਚ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਰਚਿਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ੀ ਸਿੰਗਰ ਮਹਿਮਾਨ ਸਿੰਗਰ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾੜੀਆਂ ਕੀ ਕਲਾਮੇ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ 2012 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦਫਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪਿਲਾਕ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਡਮ ਸੁਭਾ ਸਦਰ ਦਾ ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਾਨਾ ਬਾਸ ਸ੍ਰੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸ੍ਰੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਕੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਮੇਰੀ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਡਮ ਸੁਨਿਆ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰ ਸਭ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਅਦਲੇ ਬਿਨਾ ਸਰਦਾਰ
कोई नहीं सरदार सदात बजो जाती
यार ने यार पा
माए
मुकाबला सारा पहुंच गया। मैं सिर्फ दो या एक मिनट तुहाडा जाया कर सकना वो इन्ना कि मेरा बादशाह ने चुके तल लगे कच्ची टेनी नाल और अलहमदुल्ला हूँ तक असी वो अकीदत रखने अपने दिल दे विच। इस अजीम शान जिहड़ा है इस वारिस शाह की जिहड़ी रचना है उन्हां दा जिहड़ा कलाम है वो सदियां तो पंजाबियां दी मरकज़े निगाह है। वारिस शाह जिहड़ा है और रूह च रचया है क्योंकि उन्हें मौजू यो जहा फड़िया गल जी वो हर बंदे की गल है। शायद कलाकार बड़ा वो ही होता जो सारे की गल कर जाए अपनी गल के सब की गल तो मुकाबले के जोड़े ने रिजल्ट जोड़े ने बिल्कुल रेडी ने। अज के साडे जोड़े मजर जजिस अकराम ने उन्हें चो जनाबे मुरली चौहान मजा निगार ने उर्दू और गजल के नज़म के शायर ने नौजवान बड़े आलम फाजल ने डॉक्टर ने बन रहे माशाल्लाह और अपने हर फन मौला ने म्यूजिक के नाल भी बड़ा गहरा लगाव है जुड़े ने मौसीकी बकायदा पढ़ी है और अपने आप से अपलाई भी करते हैं नाल नाल साढ़े बहुत ही खूबसूरत शायर अफजल आजिज साढ़े दोस्त पाकिस्तान निशान और बड़े ही बड़े तकलीकार और बहुत ही वाला काम है इन्हों का म्यूजिक दुनिया उन्होंने फैसला दिता वो साढ़े दोस्त सिंगर गुरुपाल म्यूजिक डायरेक्टर जनाब अनवर रफी जो फिल्म टीवी स्टेज और पूरी दुनिया के शोबे की दुनिया म्यूजिक की दुनिया के अपना वक्री और वेखली पछाण रखते हैं। इन तिना जजा ने अज सारे जो शुरका ने हिस्सा लैन आए हीर गायक ने उन्हों का फैसला लिखे है एक दो तीन पहले और दूसरे से तीसरे नंबर पर आने वाले मुनासब इनामात नाल वाजा जाएगा और तमाम पार्टिसिपेंट जिन्हें भी हिस्सा लैन आए ने उन्होंने हौसला अफजाई के नाम पंजाबी इंस्टीट्यूट लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर वालों दिते जाएंगे ताकि इनका भी वारिस शाह के कलाम का प्रचार होता रहे उसकी बोली उसकी बात उसकी हीर कहानी सीना पसीना इस तरह महफला दर महफला अगे तो अगे तक सिलसिला जारी सारी रहे जिमें सानू साडे बजुर्गों को मिले साडे सारे वड्डिया को मिले इस तरह असी कन्वर्ट कर रहे हैं नवी नस्लों से अज नवी नस्ल ने भी बहुत सारा पार्टिसिपेट किया हिस्सा लिया मानयोग बजुर्गों ने भी ये अपना वारिस शाह के नाल अपना इश्क निभाया और होर भी जानदार कंपेरी ने अज के प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत बना दिता और पता लगा कि बहुत सारे साढ़े लोग जोड़े ने पढ़न वाले उन्होंने पुलिस ने गेट तो नहीं आन दिता। सच्ची गल है कि सानू हमेशा क्रिकेट बोर्ड जोड़ा वो पहला तो इनफॉर्म कर देते हैं कि साढ़े है ईवेंट्स हो रहे हैं तुसी कोई फंक्शन ना रखना बल्कि असी भी कोई वड्डा फंक्शन रखिए तो उन्होंने पूछ के रखने हैं तो है क्योंकि लोकल टीम्स का ऐसी मैच और सानू बिल्कुल नहीं दसया गया और असी चाहते सी कि अज का ये ईवेंट कैंसल करके लेकिन असी क्या शायद कल सोशल मीडिया के कुछ लोग ना देख सकन और आ जाए तो इसलिए असी कैंसल नहीं किया लेकिन जो लोग नहीं आ पढ़ सके अज असी चाहवांगे कि 14 तारीख में जरूर तशरीफ ले आन और उस मुकाबले हिस्सा लैन। दूसरा पिलाक वालों जोड़े कुछ असी अज इनामात दे रहे हैं लेकिन मलोहा यूनिवर्सिटी ने भी इनामात भेजे ने नकद रकम वो असी 14 तारीख में मिनिस्टर साहब के उत्थों दवांगे और अज जे भी लोग पहले दूसरे तीसरे नंबर पर आएंगे उन्होंने असं गुजारिश करा कि वह 14 तारीख में दोबारा आन ता जे कल्चर मिनिस्टर जोड़े ने उन्होंने दोबारा तो कुछ सर्टिफिकेट भी दे और इनामात भी दें तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही खूबसूरत सामने पढ़िया शबाना का बड़ा शुक्रिया। उन्हें कहा कि हुसन ने वीर ने राजे की अख खोली और एक कायनात है ही हुसन ते इश्क का चक्कर है इश्क ते हुसन तो बगैर कुछ भी नहीं एक सिक्के के दो रुख ने और यह साडा जिहड़ा कल्चर है यही रूहानियत की गल है और जोड़े लोग इस समझते हैं वो फिर वीर सिपाही ने बड़ी चंगी गल की कि मस्जिद जाके भी पढ़ते हैं बिल्कुल अगर साड़िया मस्जिदों च भी यहोजा कलाम पढ़िया जाता तो अब पाकिस्तान का तारीफ बड़ा सोहना होगा तो बड़ी मुहब्बत नाल मैं हूँ अनवर रफी साहब को कहूँगी कोई दो बोल भी सू सुनाओ और फिर सू अज रिजल्ट अनाउंस करो किस पिंड का साल हो गए इस समय स्टार्ट तो शुरू हो लेकिन
सिर्फ इन्हों के मूँह की गल ही ना करता, मैं होर भी मैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी करना उस भी करना हूँ कि एक तारीख साज एक तारीख का नाम है मैडम सुपरा सदर। मैं गलत बयान नहीं कर रहा, कुछ बड़े बड़े साड़ी ये बैंड ना के मैं कैमरे के सामने कह रहा कि हर वो बंदा उत्थे लगा गया जिथे वह काम नहीं आया। मतलब मिसाल के तौर पर एक वक्त से अलमरा चल मैं नवा नवा शुरू होया तो एक मौलवी साहब लगे सर डायरैक्टर जो गाने हराम कहते जो कहते हीर पाना ही हराम है। असं कहने कि मस्जिदों में क्योंकि इस हकीकी की गल जी वो मस्जिद भी हो सकती है। ये जी हीर जी ना ये खुदा के नाल इंसान का राबता करती है, तो इस करके इनू प्रवान चढ़ाया इतने सोहरा सदर साहब है और सारिया रौनकों इन्हों की वजह नाल है। तुम यकीन करोगे कि जो ये थोड़ी देर असर चले गए इन्हों की जगह पर कोई होर डॉक्टर साहब आ गए हैं लाला अपनी जिंदगी सब का हक है जाना हक का राह है। एक बंदा एक सीट पर नहीं बैठ सकता लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि जब तक यह अदारा कायम है जब तक इन्हों की जिंदगी इन्हों ने इतों ना हटाए। मेरे आज तो पहले जो कुछ दोस्तों ने हीर दे कलाम पढ़िया लेकिन मैं चूंकि अपने दौर के मैं जिन्हों का मैं शागिर्द हाँ मेरे वाले साहब अल्लाह तआला उन्हां नूं तरीके नाल करे मेरे दादा जी हीर पढ़ते होंगे सन फिर मेरे वाले साहब ने भी हीर पढ़ी उन्होंने तबरकन मैंने भी दसी थोड़ी जी हीर को कैद कर दिता गया पैरवी के डोली चढ़ने मारिया हीर चीका ओ इंज लगता कि जिमें हीर वारे शाह सरकार ने ही कहा कि इनू पैरवी च ही गाना इस तो बाद भी गाना। लेकिन मेरे बजुर्गों ने हीर को जिस अंदाज में गाया मैं इन्हें दो बोल सिर्फ तक पेश करूँगा कि उन्होंने खरा जो पैसे पेश करने से थोड़ी याद के नाम बाबा।
जंदर कौन आ रहा है मैं हूँ अनाउंस कर लगा मुकाबला जी जी क्या नंबर देख के बड़ी हैरानी हुई कि मुकाबला इतना सख्त सी कि इतने करीब तरी नंबर ने कि 0.5 वैसा के फर्क ने बीच और उसकी जो वजह यह सी कि कुछ बच्चों ने कुछ बड़िया को भी गलती हुई कि उन्होंने तलफज की गलती करती एक बच्चा चंगा भला शेर पढ़ रहा है उन्हें आखिर से कहा कि मैं होर पढ़ना है तो वह गलत शेर पढ़ता तो इसलिए जो भी है बहरहाल मुकाबला बड़ा सख्त है और नंबर बड़े मिलते जुलते हैं अच्छा गल है कि जिन्हों के नंबर अगर नहीं आए जो नहीं आ सके हो सके ना इन्हों का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि तुम अच्छा नहीं गाया गल यह होंगी है कि मुकाबला जो सख्त होंगे ना वो फिर सिर्फ एक पॉइंट जो अद्धा पॉइंट भी होंगे ना वह भी बड़ा अकाउंट करता है तो तुम जो भी गाओ जो भी ध्यान न तलफज सुर उदी लै उदा उठन बैठन सारा जो भी होंगे ना अच्छा एक्सप्रैशन होंगे मुख्तलिफ मैं जो सीखा मैं तो स्टूडेंट ही हाँ लेकिन देखो लफ्ज़ होंगे एक लफ्ज़ महल एक लफ्ज़ महल महल भी पढ़े जाता महल भी पढ़े जाता है एक लफ्ज़ समुंदर कहते हैं समंदर ठीक है ना वो जरा पंजाबी ठेठ पंजाबी होती ना वो एक्सेंट ही तो होंगे कि जिस तरह मतलब ओ मिली ते मेरा पंजाबी का गाना मैनू मिल गए दो जहां मर न जा 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 मतलब सिर्फ एक्सेंट होता जो दसदा है कि यह ठेठ पंजाबी है यह बंदा उर्दू बोल रहा है बंदा पंजाबी है तो एक्सेंट का पता लगता है वो वजह भी सिर्फ होंगी है थोड़ा जा पिछा जान की तो मैं अनाउंस कर रहा जनाब गुलाम शबीर साहब थर्ड नंबर पर तशरीफ लाए हाफिज गुलाम मुर्तजा साहब तीसरे नंबर पर ठीक है जी जी दूसरे नंबर पर ने जी आखिर चूंकि पुलिस वाले का निशान बड़ा प्यार है वीर सिपाही साढ़ा एक यार है बड़ा अच्छा शायर है और तुम एक होर इनफॉरमेशन तो दे रहा मेरी एक पूरी दुनिया के ऐसे ने कमाल चलती पी है मुर्शिद की बारगाह है वलियों का है ठिकाना ये लाल है नहीं का देखो तो सियाना उन्होंने खालक भी मेरी बड़ी बड़ी अच्छी कमाल है जी हिट आया उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी और बड़े समझदार बड़े ध्यान लिखने वाले हैं मुर्शिद खाली जान भर लो बड़ी बड़ी अच्छी कमाल ने बहर गल लंबी हो जाती साढ़े पुलिस वाले दूसरे नंबर पर हमायों रजा साहब आज जी दूसरे नंबर पर एक और दूसरे नंबर पर आए हैं मोहम्मद अबू सुफियान अबू सुफियान साहब दूसरे नंबर पर जोरदार थंडर क्लैप करो जो फर्स्ट नंबर पर ने मोहम्मद बिलाल सारे बहुत बहुत मुबारक हो साड़ी तरफों मैडम सुजा सदर साहब की तरफों एक असी तकरीब इंशाल्लाह 14 नूं करांगे जिदे च हीर और सैफन लुक के तमाम विनर्स नूं अवार्ड और सर्टिफिकेट मिनिस्टर साहब को भी दिलवांगे अज भी असी पेश कर रहे हैं दूसरा है कि मैं एक गल कहना चाहती सी कि लोग स्टूडियो पिलाव ने एक बनाया और जड़े जिन्होंने अज गाया और किसी इनाम तक नहीं अपड़ सके साड़ी ख्वाहिश है कि साढ़े को म्यूजिककार भी है और सारा वो सिस्टम ही है वो साढ़े को और जरूर उन्होंने असं गवाएंगे सिखाएंगे भी और इस तरह पिलाक इंशाल्लाह ताला असी अपना पंजाब रंग दे टीवी जड़ा वह भी बना रहे हैं साढ़ा इस वेल मुल्तान और पिंडी और लाहौर च रेडियो तीन चल रहे हैं तो टीवी का काम शुरू है तो छेती पंजाबी का टीवी भी तुम देखोगे तो ये जड़े
जिहड़े भी बच्चे या वड्डे गाना चाहते हैं या रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं वो साडे कोल जरूर तशरीफ ले आन, असीं उहनां दी खातर भी करांगे और उहनां दा कलाम भी रिकॉर्ड करांगे। खाकान साहब मेरे नाल इत्थे खड़े सी हुणे ते उहनां दे नाल राबता करन और जरूर आ के ते अपने कलाम नूं रिकॉर्ड करवाउण। हुण पहला इनाम ते सर्टिफिकेट दिओ ते असीं या जिहड़े बच्चिआं ने पार्टिसिपेट कीता उहनां लई पहला दे दिओ। Do you send this to the Muhammad Bilal. Muhammad Bilal, first prize. Muhammad Bilal, pehla prize, first naam, pehla naam, Bilal wallo. नकद इनाम और सर्टिफिकेट दिता जा रहा है। बहुत ही सोहनी सुनखी हीर पड़ी, दिलकश अंदाज पड़ी, अपने आप से कारी करके पड़ी और पहला इनाम 50,000 रुपया। बहुत बड़ा इनाम, पहला इनाम 50,000 रुपया पंजाब इंस्टीट्यूट लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर वालों पेश किया जा रहा है। और मैं समझना ये पंजाबी जबान की तरक्की वास्ते और नौजवान नस्ल वास्ते बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि अपने सूफी याद है कलाम को पढ़ो, समझो बहुत अच्छे जी माशाल्लाह बहुत अच्छे। अच्छा बच्चों ने जाना नहीं, साइन शाइन करने ने उन्होंने पैसे। हां जी, दूसरे इनाम वास्ते जजेस दे फैसले के मुताबिक मोहम्मद अबू सुफियान, मोहम्मद अबू सुफियान जी शेखपुरा तो इन्होंने भी बहुत डुब के वारिस शाह का कलाम पढ़िया और अपने आप से कारी करके सारे मजमून नूं वारिस शाह की कलाम की रूह की कैफियत नूं समझ के और माशाल्लाह जूने रहो जी बच्चा जी जी पढ़ते रहो और वारिस शाह के कलाम नूं पहुँचाते रहो पूरी दुनिया च। इस बाद जनाबे हुमायूं रज़ा साहब नूं मैं गुजारिश करना को तशरीफ लिया। हुमायूं रज़ा साहब ने वारिस शाह उजाड़ के वस्तियां नूं आप खैर दे नाल फिर वसीए क्यों, ये पुलिस दे वालदार भी ने, गुलूकार भी ने, जिम्मेदार भी ने, ऐसे जनाब दूजे इनाम के हकदार भी ने। जनाब हाफिज गुलाम मुर्तजा साहब नो दूजे इनाम वास्ते, गुजरात को तीजे इनाम वास्ते, माशाल्लाह MBBS डॉक्टर भी ने, पंजाबी भी ने, पग भी बनते हैं पंजाब की धोती भी बनते हैं, हीर भी पढ़ते हैं, जाहिर है सोनी भी इन्होंने पढ़ी होनी है, तो ससी भी सारा कुछ ही इन्होंने पढ़िया होना जिवें शहर चो आए ने ना, इन्होंने सोनी कोई वेखी भी लाजमी होनी एडा शिमला आया इन्हों का निकल गया। बहुत सारिया तालियां गुजरात लिए मोहब्बत का शहर है, ਪਾਣੀ ਨਾਮ ਤੀਜਾ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਬਾਜੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡੀ, ਲਵ ਯੂ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬੀਰ ਕਦੀਮੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਲੀਪੁਰ ਟਿੱਬੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਵਸੂਲ ਕਰਨ। ਤੀਜਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਦੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਤੀਜਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਜੱਟ ਆਦਮੀ ਔਰ ਝਟਕਾ ਫੰਦ ਆਪਣਾ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਮਰੀ ਚ ਆ ਜਾਣ, ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਇਨਾਮ ਇਨਾਮ ਯਾਤਰਾ ਕੀ ਆ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਸ਼ੇਖ ਲਓ ਜੀ ਫੋਟੋ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਆਓ ਭਾਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ।
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰ ਯੈਸ ਥੈਂਕ सारे तशरीफ लियाओगे जो इनाम याफ्ता हो तो तुम बकायदा जो मिनिस्टर कल्चर के मिनिस्टर ने उन्होंने को संगदा और शीटा और जो जो भी इज्जत अफजाई हो सकी जनाबे राणा अब्दुल सलाम वारसी साहब तशरीफ लाओ और अपना हौसला अफजाई का इनाम वसूल फरमाओ मैडम डॉक्टर सुगरा सदर साहबा को और जनाब अनवर रफी साहब को जनाब अली रजा साहब तशरीफ लाओ बहुत सोहनी तहीर पढ़ी नौजवान बंदे बड़े सानू सोहना लग्या किसी स्मार्ट बंदे ने भी हीर पढ़ी आजो गए आज तशरीफ लिया अली रजा साहब जीते रहो और इस तरह सूफिया के कलाम पढ़ते रहो जनाब लहरो साडे बुजुर्ग शहरी बहु लतीफ होर ने बहुत सोहना कलाम पढ़िया बड़े दिल नाल पढ़िया बड़े इश्क नाल पढ़िया असीं उन्होंने भी जादे का मुहब्बत नामा एक छोटा जिहा टोकन ऑफ लव बिलाग वालों इंस्टीट्यूट वालों तुहाडी खिदमत पेश करने ताकि तुसीं इसे तरह ही इस अपने सूफिया के कलाम के नाल इश्क करते रहो और सदा जिहड़ा प्यारिया का पूरी दुनिया पहुँचाते रहो बहु लतीफ जी तशरीफ लिया उस स्टेज पर आ के अपन स्टेज के थले ही ठीक है उधर फोटो थोड़ी खिचा लगा बहू जी उधर थोड़े पिछले कैमरे माशाल्लाह बहू जी बड़े सादे और बड़े आशिक मिजाज आ गए हैं क्या बात है आशिक मिजाज हीर भी पढ़ते हैं जोड़ा हीर पढ़ता और इश्क पे कि लगे ही होता ना एवं नहीं कोई हीर पढ़ता तू बज बह ये गोडे गोडे खोखा भी हो हीर पढ़ते रहते हैं जी सर जनाबे मुहम्मद सादिक नूं मुल्तमी साहब तशरीफ लियाओ आके अपना मुहब्बत नामा वसूल करो बिला करो अनवर रफी अजीब शायर उठे आ जाओ थोड़ा एक दो पैर माशाल्लाह फड़ लो ए फोटो जी मा इधर जे ये बहुत साडे बुजुर्ग शायर शायरी ने लाहौर दे वाजा भी नाल बजा लेते नगद इनाम वास्ते शफात साहब का जिहड़े साडे इस प्रोग्राम के आर्गनाइजर ने इलाक के अफसर ने उन्होंने तुम रूम से जाके अपने कैश रिवार्ड वसूल कर सकते हो सारे कैश वाले जो जनाब मुजम्मल साहब को गुजारिश है तुम भी तशरीफ लियाओ हाँ तकरीबन जो स्टेज आगे तुर भी गए उन्होंने ही है अज वारस शाह का लंगर खुला है तो ये इलाक पंजाब वरता रहा है लंगर इन जी वारस शाह के लंगर घर घर वरती रहन जनाबे अब्दुल हमीद साहब तशरीफ लियाओ साडे बुजुर्ग शहरी ने और बहुत ही मुहब्बत नाल उन्होंने कलाम पढ़िया सी और बड़े ही प्यार नाल आजो बाबा जी आजो तशरीफ लियाओ वारस शाह ने तुहानू रिस्पोंस दिता पूरा इतने आके थले फड़ लो तो उत्ते ते साह चढ़ जाना तो देखना उधर नहीं है देखना उधर जो बाबे नहीं लगे सारे उधर देखना है उम्मीद है अपने सफर
ਬਿਲਾਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵ ਯੂ ਦੱਸ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਆਪ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਸਰ ਲਵ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆਰ ਪੂਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜਨਾਬ ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜਿਆ ਛੋਟਾ ਬਾਲ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਦਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਰੀਖੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਜੀ ਜਿਨ ਜਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇ ਨੇ ਪਿਲਾਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਦੇ ਰਾਹ ਕਰਾਇਆ ਕੈਸ਼ ਸ਼ਫਾਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣ